नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव के बीच में पश्चिम बंगाल का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और कोई बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच में कुछ ऐसे राजों से पर्दा हट रहा है जो बेहद ही खतरनाक हैं और खेल पलटता हुआ भी नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले से ही संदेश खाली को लेकर जमकर सियासत हुई, खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला और ममता सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगे। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसने ममता बनर्जी के लिए खेल बदल दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे पश्चिम बंगाल में हुआ है बड़ा खेला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। पश्चिम बंगाल में हो गया बड़ा खेल, ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत, संदेश खाली को लेकर सबसे बड़ा खुलासा, क्या पश्चिम बंगाल में बाजी हार गई बीजेपी। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर जमकर राजनीति हुई, ममता बनर्जी की सरकार पर खूब आरोप लगे। लेकिन अब संदेश खाली से सामने आए एक कथित वीडियो को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। इस कथित वीडियो में एक भाजपा कार्यकर्ता पूरे मामले में पार्टी की भूमिका के बारे में दावा कर रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि इस वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। वीडियो के सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर और कह रही है कि इस वीडियो ने भाजपा की साजिश को उजागर कर दिया है। एजेंसी की खबर के अनुसार संदेश खाली प्रकरण में सामने आई इस वीडियो में भाजपा के स्थानीय नेता गंगाधर कयाल को कहते हुए सुना जा सकता है कि 70 से ज्यादा महिलाओं को स्थानीय टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए 2000 रुपए मिले थे। हालांकि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये पुष्ट नहीं हुआ है, यानी अगर वीडियो की माने तो जो विरोध प्रदर्शन संदेश खाली में शाहजहां शेख के खिलाफ महिलाओं ने किया था वो उन्होंने पैसे लेने के बाद किया था। प्रदर्शन करने के लिए उन्हें 2000 रुपए दिए गए थे। अब इसी वीडियो को लेकर टीएमसी बीजेपी पर जमकर हमलावर हो गई है। वीडियो में नेता कहते हैं हमें 50 बूथों के लिए 2,50,000 रुपये नकदी की आवश्यकता होगी, जहां 30% प्रदर्शनकारी महिलाएं होंगी। हमें यहां एससी एसटी और ओबीसी लोगों को संतोषजनक भुगतान करके उन्हें खुश रहना होगा। किसी भी स्थिति में महिलाओं की होगी, आगे की पंक्ति पुलिस से भिड़ रही है। वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी नेता कयाल से संपर्क किया गया, लेकिन बीजेपी ने वीडियो को फर्जी बताया है। क्या है पूरा मामला, 4 मई को सामने आए इस तरह के पहले वीडियो टेप में कयाल को ये कहते हुए सुना गया है कि टीएमसी नेता के खिलाफ प्रदर्शन के पीछे शुभेंदु अधिकारी हैं और उन्हीं के कहने पर विरोध दर्ज किया गया था। दूसरी वीडियो उन महिलाओं के बारे में थी जिन्होंने पहले बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी और दावा किया था कि उन्हें भाजपा नेताओं एक खाली कागज पर साइन करने के लिए कहा था। इसके बाद उन्हें पुलिस थाने जाने को मजबूर किया गया। एक अन्य क्लिप में बशीरहाट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और संदेश खाली प्रदर्शनकारी रेखा पात्रा ने दावा किया कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाली पीड़िताओं को नहीं पहचानती। टीएमसी पहले ही राष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में जा चुकी है और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने संदेश खाली की कुछ महिलाओं को कथित तौर पर इलाके के टीएमसी नेताओं के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने के लिए कहकर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। इस पूरे मामले पर भाजपा के राज्य प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य का कहना है कि टीएमसी चुनाव से पहले कहानी बदलने के लिए फर्जी वीडियो का इस्तेमाल कर रही है, टीएमसी को एनसीडब्ल्यू या संदेश खाली की महिलाओं की गरिमा का मजाक बनाया है। जारी किए गए सभी वीडियो फर्जी हैं और सभी वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में संदेश खाली की महिलाओं ने एक और खुलासा किया था। दरअसल पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से जुड़े कथित स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया था। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष गंगाधर कयाल बशीरहाट उम्मीदवार रेखा पात्रा के खिलाफ संदेश खाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और अन्य के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में टीएमसी ने दावा किया कि बीजेपी के एक नेता ने कैमरे पर कबूल किया है कि संदेश खाली घटना में बलात्कार के आरोप मनगढ़ंत थे। पार्टी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि संबंधित नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी करें। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने चुनाव आयोग को एक पत्र सौंपा। पत्र में ममता बनर्जी की पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी और अन्य बीजेपी नेताओं पर शेख शाहजहां
शिबू हजारा और उत्तम सरदार के खिलाफ बलात्कार की झूठी शिकायतें दर्ज करने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। शिकायत उस वीडियो पर आधारित है जिसमें संदेश खाली से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गंगाधर कयाल होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ही पूरे संदेश खाली कांड की साजिश रची थी। टीएमसी की तरफ से शेयर किए गए कथित स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में कयाल को ये कहते सुना जा सकता है कि अधिकारी के आदेश पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की गई थी। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने आरोप लगाया कि स्टिंग ऑपरेशन फर्जी था। उन्होंने संदेह जताया कि इसे एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है। टीएमसी ने वीडियो का यूट्यूब लिंक सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा था कि कयाल ने अधिकारी और अन्य बीजेपी नेताओं के निर्देश पर संदेश खाली की महिलाओं को झूठी बलात्कार की शिकायतें दर्ज करने के लिए उकसाने की बात खुले तौर पर स्वीकार की है। शिकायत में कहा गया कि यह हरकतें न सिर्फ नैतिक रूप से निंदनीय है बल्कि अपराध भी है। इसमें शामिल बीजेपी नेताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, एक महिला ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मुझे सफेद कागज पर साइन कराए गए, फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरे नाम से रेप केस फाइल करवाया गया है। इस महिला ने थाने में जाकर केस वापस लेने का आवेदन किया है। महिला आरोप लगा रही है कि उन्हें इसके बाद से धमकी मिल रही है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस जेएमएम के नेताओं के साथ साथ कई ने ट्वीट किया है। वहीं टीएमसी की नेता और मंत्री शशि पांजा ने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं को पैसे देकर रेप का केस दर्ज कराया है, कईयों से तो सफेद कागज पर साइन करवाए गए। वो महिलाएं अब थाने में जाकर कह रही हैं कि हम केस वापस लेना चाहते हैं। एक महिला ने कहा कि जिस दिन महिला आयोग की टीम पुलिस स्टेशन आई थी उसी दिन पियाली ने हमें अपनी शिकायतें आयोग के साथ शेयर करने के लिए बुलाया था। मैंने उन्हें बताया कि हमने मनरेगा का जॉब कार्ड और खाना पकाने के लिए पैसे नहीं मिले हैं, हमें केवल वो पैसा चाहिए था और कोई अन्य शिकायत नहीं थी। हमारे साथ दुष्कर्म जैसी कोई घटना नहीं हुई है, हमसे एक सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर करवाकर हमें फंसाया गया। ठीक इसी तरह का बयान दो महिलाएं ताप्ती मेती और मीरा मेती ने भी दिया है। उन्होंने कहा कि उनसे भी सफेद कागज पर दस्तखत करवाकर दुष्कर्म की झूठी शिकायत दर्ज कराई। इन महिलाओं ने भी अपनी शिकायत वापस लेने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र महिला आयोग यानी कि NCW ने संदेश खाली मामले को लेकर बड़ा दावा किया है। NCW ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की महिलाओं को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से अपनी शिकायतें वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस मामले में निर्वाचन आयोग से जांच की मांग की गई है। टीएमसी ने संदेश खाली की महिलाओं के कई वीडियो साझा किए हैं। इसमें दावा किया गया है कि भाजपा की एक स्थानीय नेता ने कई महिलाओं से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए और बाद में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए उनको इस्तेमाल किया गया। निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में NCW ने निर्वाचन आयोग से मामले पर प्राथमिकता के आधार पर गौर करने की अपील की है। साथ ही ये सुनिश्चित करने को कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की धमकी के कारण महिलाएं अपनी शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर ना हो। NCW ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि संदेश खाली की महिलाओं को तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतें वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। टीएमसी कार्यकर्ता संदेश खाली की महिलाओं में डर पैदा कर रहे हैं ताकि पीड़ितों को अपनी शिकायतों के साथ आगे आने से रोका जा सके, जिससे क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सके। आपको यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर सुंदरबन की सीमाओं पर स्थित संदेश खाली इलाका एक महीने से अधिक समय से शाहजहां और उसके समर्थकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ उभर रहा है। दरअसल गांव की महिलाओं ने बीते दिनों आरोप लगाया कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और अन्य टीएमसी नेताओं ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और कुछ महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन शोषण के भी आरोप लगाए हैं। इसे लेकर संदेश खाली में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता भी संदेश खाली में प्रदर्शन कर रहे हैं। शाहजहां शेख राशन घोटाले में आरोपी है और बीते दिनों ईडी टीम पर हुए हमले में भी शाहजहां शेख आरोपी है, लेकिन अब पूरी कहानी का रुख ही बदला हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में साजिश हुई है या फिर महिलाओं को शिकायत वापस लेने पर मजबूर किया जा रहा है। वैसे आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।